कमेटी के लड़के गेंद उठा ले, जितने कमेटी के लड़के हैं वहां पर। यहां से डैमेज हुआ क्या? डैमेज हो गया। पहला ओवर क्रिकेट गेंद से लेके पुनः तैयार, सीधा कर दे स्टैंड। मसूदन सामने है, बल्लेबाज आदर ठीक है, सुरक्षात्मक खेला और इसी के साथ ये ओवर की भी समाप्ति। अभी सॉरी एक बॉल वाइड के वाइड थी, इस वजह से एक गेंद अभी शेष है, थोड़ा मिस्टेक हुई, मैं क्षमा जाऊंगा। सुना तैयार मसूदन, सामने है बल्लेबाज आदर्श, अंपायर का सिग्नल डाउन। चले मसूदन दाहिने हाथ से, उनकी ये गेंद और सुरक्षात्मक खेला चौकन्ने फील्डर वहां विवेक, कोई रन बनाने का मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को और दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर। और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। इस तरीके से एक ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर मौदहा टीम को सहारा, मौदहा टीम का स्कोर 18 रन। और अब आगे का आंसू देखा है हमारे साथी कमेंटेटर कादिर भाई, उनके द्वारा ये अगला ओवर जो सलमान भाई लेकर के आ रहे हैं, आगे की कमेंट्री आप उनसे सुने। शुक्रिया मोहन भाई, बॉलर सलमान अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार होते हुए, उनके सामने स्ट्राइक पर है नीरज। मैच का दूसरा ओवर बहुत ही ऊंची बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का और एक बाउंस की वार्निंग भी है सलमान को, एक बाउंस की वार्निंग भी है। अगर अगली बॉल वो बाउंस करते हैं तो निश्चित ही रूप से वो नो बॉल करार दी जाएगी। वाइड प्लस दो सलमान, एक बार फिर से नीरज को, नीरज ने ये लेग स्टंप पर हल्के हाथों से खेला है, जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करे, दौड़ करके एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक पर आदर्श, आदर्श ने पिछले ओवर में अच्छे शॉट लगाए थे, अब उनके सामने है बॉलर सलमान। सलमान ने दौड़ना शुरू किया, ये गेंद लेग स्टंप पर मोड़ा है, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ स्कोर हुआ 23 रन, एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी सहारा क्रिकेट क्लब के कप्तान बस्सी, एक छक्का और एक चौका लगाकर आउट हुए। आज वो अच्छी शुरुआत भी थी लेकिन मिड ऑफ पर ड्राइव लगाने के चक्कर में पावर प्ले में कैच किए गए थे। इसी बीच सलमान की यह गेंद और दो रन लेग बाई के रूप में, लेग बाई के रूप में मिलते हुए ये दो रन, इन दो रनों से स्कोर जा पहुंचा है 25 रन, एक विकेट के नुकसान पर। आज के इस मुकाबले के चीफ गेस्ट आली जनाब एडवोकेट सुभान खान साहब हमारे बीच में तशरीफ रखते हैं, हम उनका और उनके साथ में आए उनके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी बीच सलमान, सलमान की अगेन हवा है और सीधा उनके हाथों में, लेकिन शायद ये कैच ड्रॉप था। रन बताओ भाई अंपायर, इस बॉल पे कितने बने हैं? अच्छा ठीक है ठीक है, एक रन। मैं बता रहा था आज के मुकाबले के चीफ गेस्ट आली जनाब सुभान खान एडवोकेट साहब हमारे बीच में तशरीफ रखते हैं, आज उन्होंने हमारे बीच में अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे
में पहुंचे, हम उनका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने हमारी कमेटी को, हमारी मेहनत को देखते हुए 5100 रुपए का टाउन किया है, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ये मुकाबला जल्ला क्रिकेट क्लब कुरारा और सहारा क्रिकेट क्लब मोदहा के बीच चलता हुआ, दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। इसी बीच सलमान फुल टॉस बॉल को सीधे खेलाए मैदान की तरफ 6 रनों के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट आदर्श का। 5 बॉल, दूसरे ओवर की 5 बॉलें हुई है, स्कोर है 32 रन। बहुत मजा आएगा, बहुत बड़ा मुकाबला है ये। इस टूर्नामेंट का मैं बता दूं अभी हाईएस्ट स्कोर 104 रन है, जो एचबीएन क्लब कमरिया ने बनाया था। पीछे रखो, पीछे सलमान फिर से फुलता बॉल और उसी जगह पे दोबारा छक्का। क्या बात है भाई, आदर्श के बल्ले से टच की आवाज आई और सी गेंद सीधा मिड ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस तरीके से स्कोर जा पहुंचा 38-38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही तेज बैटिंग करते हुए दोनों बल्लेबाज 19 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं, 2 ओवरों में 38 रन। और आगे का हाल आपको हमारे साथी कमेंटेटर हमारे भाई मोहन भाई सुनाएंगे। धन्यवाद। और पारी का तीसरा ओवर लेकर के और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर तैयार है शुभम। सामने बल्लेबाज नीरज नॉन स्ट्राइकर आदर्श। शुभम चले हमारे सरना पार करते हुए दाहिने हाथ से उनकी गेंद नीरज के लिए और बाहर जाती हुई गेंद, खेलने का प्रयास किया लेकिन अंपायर के सारा ये व्हाइट बॉल का, क्योंकि आप स्टंप से बाहर थी गेंद। और बहुत ही सुंदर निर्णय है हमारे स्थानीय अंपायर इस एक्स्ट्रा के साथ, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। पुनः तैयार शुभम नीरज के लिए और इस बार शॉट खेला है उधर विवेक है फील्डर, बहुत ही छोटे कद के खिलाड़ी, गेंद पर झपटे और बल्लेबाजों का रन बनाने का इरादा विफल किया और पुनः अपने बॉलिंग रनअप पर जाते हुए शुभम। सामने बल्लेबाज नीरज नॉन स्ट्राइकर आदर्श तैयार चले और इस बार कट हुआ है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, निर्धारित 2 रनों की बाउंड्री की तरफ और अंपायर के सारा 2 रनों का। इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगत पर शुभम के द्वारा गेंदबाजी करने को तैयार शुभम चले हल्के हल्के कदमों से राइट आर्म ओवर द गेंद, बहुत अच्छी गेंद, स्वयं अपने स्वामी ध्रुव गेंद को फील किया और वापस अपने बॉलिंग रन अप पर जाते हुए दोनों ही अनुभवी बल्लेबाज नीरज और आदर्श क्रीज पर सुरक्षित। पुनः तैयार शुभम चले नीरज के लिए दाहिने हाथ से उनकी गेंद और उठा करके खेला है गेंद, सीमा रेखा से बाहर जाती हुई है 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, पढ़ लिया गेंद को, हल्की गेंद रही और उतना ही सुंदर शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ मोदहा टीम का स्कोर 47 लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 पॉइंट। के बाद और पुनः एक बार खेला, इस बार कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद पूरा सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। आक्रामक रुख अपनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज बॉल बदल लो अंपायर। और इस 4 रनों के साथ अर्धशतक पूरा सहारा मोदहा के टीम का। सभी दर्शकों ने तालियां बजा करके उत्साहवर्धन किया
दोनों ही अनुभवी बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित सामना करेंगे। नीरज पुनः तैयार, शुभम हल्के हल्के कदमों से बॉलिंग रन के साथ चले दाहिने हाथ से नीरज के लिए, और नीरज इस बार शॉट खेला है बहुत ही अच्छा ड्राइव अनिल का, लेकिन गेंद उनके पहुंचने से पहले जमीन को टच कर गई और कैच लेने का उनका ये अथक प्रयास विफल हुआ और पुनः सुरक्षित दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर। इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति, इस तरीके से तीन ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर सहारा मैदान का स्कोर 51 रन, बहुत ही मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ती हुई सहारा मैदान। और अभी तक इस टूर्नामेंट का हमारे साथी स्कोर ने बताया कि सबसे बड़ा स्कोर पावर बनेगा 51 रन, और इस मैदान पर अब तक का टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर 104 रन जो IHBN क्लब कमरिया की टीम के द्वारा इस मैदान पर अभी तक ये स्कोर बनाया गया है। और आज देखते हैं सहारा मौदा कितना बड़ा टारगेट पुराना की टीम को देती है। और अब गेंदबाजी क्रम पर आए हैं नवनीत है गेंदबाज, पारी का ये चौथा ओवर और उनके स्पेल का पहला ओवर। सामने है बल्लेबाज आदर्श, नॉन स्ट्राइक पर नीरज, पीछे विकेट कीपर अजय, अनिल, शुभम, मधुसूदन, विवेक, सलमान, रवि गौतम, पुनः तैयार। बहुत ही छोटा उनका बॉलिंग रन अब नवनीत। सामने है बल्लेबाज आदर्श, सामना करेंगे चले नवनीत। और इस बार अच्छा शॉट खेला है दोनों पीछे जो फील्डर विवेक, जब तक कि गेंद को थ्रो करें दौड़ करके बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 52 रन। चौथा ओवर प्रगति पर चले नवनीत, पुनः एक बार दाहिने हाथ से फुल टॉस लेवल की गेंद और सुंदर कवर ड्राइव किया है पीछे गेंद, दो रनों की निर्धारित बाउंड्री। लेग अंपायर का इशारा ये 4 रनों का है क्योंकि झंडे के बगल से गेंद गई है, तो ये 4 रनों का इशारा। पुनः तैयार नवनीत चले, और बैक टू बैक खेला पीछे फील्डर मधुसूदन, जब तक कि थ्रो करें हल्के हल्के कदमों से बल्लेबाजों ने दौड़ करके एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 57-57 रन, एक विकेट के नुकसान पर। पुनः तैयार नवनीत, अब सामने बल्लेबाज आदर्श, तैयार चले नवनीत, और उठा करके खेला है गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई है 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट सीधे स्ट्रेट ड्राइव 6, इन 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन। अभी चौथे ओवर की कुछ गेंदें शेष लेके पुनः तैयार नवनीत, सामने है बल्लेबाज आदर्श, पुनः एक बार तैयार नवनीत चले, दाहिने हाथ से उनकी गेंद छोटा ओवर की गेंद थी, उठा करके खेला है गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई पुनः 6 रनों के लिए। आक्रामक पारी खेलते हुए आदर्श लगातार बॉलों पर जोरदार शॉट्स लगाकर गेंद सीमा रेखा से बाहर भेज रहे हैं। पुनः तैयार नवनीत चले, दाहिने हाथ से उनकी गेंद और इस बार गेंद चकमा देती हुई बल्लेबाज को सीधे विकेट कीपर के हाथों में। और इसी के साथ ये 4 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर सहारा मौदाहा का कुल स्कोर 69-69 रन। जैसा कि बता दें कि कल पुराना की जो टीम आई थी उन्होंने 8 ओवर में उनको 69 रनों का टारगेट मिला था। निजामीपुरा मौदाहा और पुराना के बीच जो कल मैच हुआ था सेम स्कोर, और आज पुराना की दूसरी टीम पुनः तैयार मैदान में। बॉलर हैं शुभम तिवारी, अपने स्पेल का दूसरा ओवर और पारी की ओर से 5वां ओवर लेकर तैयार चले, लेकिन कुछ व्यवधान की वजह से वो वापस अपने बॉलिंग रन पर जाते हुए अंपायर का सिग्नल डाउन। चले हल्के कदमों के साथ चले
दाहिने हाथ से उनकी गेंद और फिर वही शॉट, जब आसमानी शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई है 6 रनों के लिए। गगन चुंबी छक्का पढ़ लेते हैं गेंद को कि गेंदबाज किस लेंथ के साथ में गेंदबाजी कर रहे हैं और उतना ही ताकत और शॉट लगाकर गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए भेज रहे हैं। पुनः गेंदबाजी पर तैयार शुभम सामने है बल्लेबाज, पीछे रखो पीछे तैयार शुभम चले। इस बार कवर ड्राइव कट किया है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। अनिल दे फील्डर चकमा देती हुई गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ सहारा मौदा आकर के टीम का कुल स्कोर 79, लॉस ऑफ 1 विकेट। टीम के कप्तान बस्सी आज कुछ खास नहीं कर पाए, केवल 10 रन अपने व्यक्तिगत स्कोर बना करके। पवेलियन वापस होना तैयार शुभम चले, दाहिने हाथ से अच्छी गेंद इस बार नीचे रही, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। पारी का ये 5वां ओवर लेकर तैयार शुभम और सामने है बल्लेबाज नीरज, नॉन स्ट्राइक पर आदर, दोनों ही स्टार बल्लेबाज मौदार टीम के। पुनः तैयार नीरज चले शुभम, हल्के कदमों के साथ दाहिने हाथ से उनकी गेंद और जोरदार हिट लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद निकली रही सीधे विकेट कीपर के हाथों में। काफी गेंदबाजी में बदलाव कर रहे हैं शुभम। पुनः तैयार अपने बोलो रन पर, हल्के हल्के कदमों के साथ चले दाहिने हाथ से उनकी गेंद और फिर वही शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद पुनः एक बार बल्लेबाज को चकमा देती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। इस ओवर में काफी बदलाव कर रहे हैं शुभम, दोनों ही मजबूत बल्लेबाज आदर्श नॉन स्ट्राइक पर और स्ट्राइक पर है नीरज, सामना करेंगे शुभम की अगली गेंद का। चले शुभम दाहिने हाथ से उनकी गेंद इस बार निकाला है पीछे फील्डर विवेक, जब तक की गेंद पर थ्रो करे हल्के हल्के कदमों के साथ बल्लेबाजों ने दौड़ करके एक रन पूरा किया और इसी के साथ ये ओवर की भी समाप्ति। इस तरीके से 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन और काफी संख्या में मैदान में उपस्थित दर्शक, क्योंकि क्रिकेट का एक ऐसा खेल है कि दर्शक नहीं होंगे तो क्रिकेट के खेल में आनंद नहीं आता। सभी दर्शक मैच का आनंद लेते हुए और बाहर से आए हुए खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए। अब गेंदबाज आए हैं अजय, और पारी का 6वां ओवर लेकर के आए हैं अजय और अपने स्पेल का पहला ओवर, और सामने है बल्लेबाज नीरज, नॉन स्ट्राइक पर है आदर्श और आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर शुक्रिया मोहन भाई। अजय नीरज के साथ गेंद ऊंची भी है और लंबी भी है, ये बाबू को
बैठ के कोई संपर्क नहीं है, बहुत अच्छी बैठक कर रहे हैं बाबू जी के नुकसान हमारे बीच में आज के इस मुकाबले के चीफ गेस्ट आदरणीय जनाब एडवोकेट सुभाष जी रखते हैं। मैं एक बार फिर से उनका पूरी कमेटी की तरफ से उनका और उनके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। और इस बार बाबू बहुत को समझ गए, बार बाबू जी का जब से टकराई और उसकी भी बोल लगता हुआ कहा अभी आदर से एक दूसरे पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बैट्समैन ने हेलो सिद्धांत आया है बाबू की जगह ले लेने के लिए, ये गेंद नहीं रही समझ नहीं पाए। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5-3 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर सहारा और दहाका। आज ओवर का मुकाबला है, अब पारी के 2 ओवर बचे हैं। आदर्श कितने रनों पर आक्रामक बैठे कर रहे हैं इस बार से रवि आदर्श को आदर्श ने नीचे खेला है, जब तक कि गेम नहीं हो तो उन्होंने एक रन पूरा किया, इस एक रन के साथ स्कोर यहां पहुंचा 93 रन और आदर्श का स्कोर 32 रन। रवि ये गेंद एक रन के लिए मंत्र सुनना पड़ेगा, दोनों मध्य भागों को 9 ओवर लगता हुआ, इसके बाद पारी का आखिरी ओवर होगा, 8-8 ओवर में यह मुकाबला आदर्श सामना करेंगे रवि का। इस बार दो मीटरों के बीच में खेला है लेकिन अच्छी फील्डिंग जब तक कि गुरु आए दौड़ने के दौरान पूरे लिए 7वां ओवर लगता हुआ बॉलर है रवि, सामना करेंगे आदर्श। आदर्श के लिए दूसरे सेंटर आए बाहु के लिए बाद आए लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा एक रन से संतोष होना पड़ेगा आदर्श को। दर्शकों ने फील्डर का ताली बजा करके स्वागत किया, उसका हौसला बुलंद किया, बहुत ही अच्छी फील्डिंग काफी तेज और साइड से की तरह। अब सामना करेंगे इस बार रवि का लेग करते हुए बाहर की गेंद एक रन से संतोष होना पड़ेगा दोनों में देना चाहते इस एक रन के साथ स्टोरिया पहुंचा 98-98 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक की तरफ खेला है लेकिन इस बार कोई मौका नहीं, वन बाउंड चौका सॉरी खतरा बिल्कुल खिलाया नहीं, अब पैरा को भी किया जा रहा फोरे होगा। इस धरण के स्कोर से
स्कोर क्या पहुंचा है 104 रन। और बराबरी के लिए टूर्नामेंट में उन्होंने एचडीएन के खिलाफ कमाईया की थी। अभी तक हाईएस्ट स्कोर का टूर्नामेंट का 104 रन एचडीएन के खिलाफ कमाईया का। सातवां ओवर चलता हुआ बॉलर है रवि सांदेल के साथ। सांदेल भी अच्छे खेल रहे हैं, इसी बीच रवि घुमा कर खेलना चाहते थे, इस तरीके से बल्ले पर चोट नहीं आई। एक रन से ही मुझे सोना पड़ेगा दोनों ही के बाद को। सॉरी गेंदबाज है अच्छे एक दो पांच रन स्कोर। अब टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर हो गया है सारा मैदान की तरफ से अजय आदत के बाद आदत का पहुंचे 47 रनों के स्कोर पर। तीन रन पीछे अपनी मिट्टी से अगर वो फिफ्टी बनाते हैं तो पहले बल्लेबाजों में टूर्नामेंट में फिफ्टी लगाने वाले हैं। इस बार कोई मौका नहीं आदर्श के पास रन बनाने का। सातवां ओवर चलता हुआ 47 पर बैटिंग कर रहे आदर्श आगे बढ़ कर खेलना चाहते थे। बॉलर ने गेंद को सर्व किया, गेंद ने की डबल कीपर के हाथों में फेल रन आए। आखिरी ओवर चलता हुआ और ये खेला है कितना लंबा मिलती है नहीं थी। हाँ छठे के बाद पहली फिफ्टी टूर्नामेंट की आदर्श के नाम चाहिए मिलाकर स्वागत कीजिए खुले भारत Thank you.